सच है कि एक कैफे में काम करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से सच छुपा रही थी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन सही बात। अरे तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? देख ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है? लेकिन आज का दिन तुम दोनों के लिए एकदम खास है, तो एंजॉय करो। और आप सबसे आज जोड़ के निवेदन करता हूं मैं कि आप भी पार्टी को एंजॉय करें। घर की बातें ये सब होता रहता है, कौन से घर में नहीं होता, बताओ ना मुझे। एक मिनट राव साहब, बात अगर निकली है तो पूरी तो हो जाने दीजिए, पता तो चले हुआ क्या है। काय झालं सभी बाळा, बताओ ना, तुम इतने बड़े घर की बहू होकर इतने छोटे से कैफे में नौकरी कर रही हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है ना, कहीं इसलिए तो नहीं? क्या ये सच है सभी कि तुम वाकई में नौकरी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है और पढ़ाई के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है? ये क्या हो रहा है राव साहब, आपने अपनी बहू की स्कॉलरशिप कैंसिल करा दी, क्यों? अरे तात्या साहब, अरे कॉलेज का नियम है ये तो आप भी जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि भोसले इंस्टीट्यूट में नियम कायदे कानून उसका बहुत पालन होता है, तो हम क्या स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं करते, फिर वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या हमारी घर की बहू, नियम सबके लिए एक है। वही तो मेरा सवाल है राव साहब कि इतने बड़े खानदान की बहू अपनी फीस भरने के लिए नौकरी क्यों कर रही है? एक मिनट राव साहब, अलग से क्यों, हमें भी तो बताइए। आफ्टर ऑल आपके इस फंक्शन को कवर करने के लिए ही तो आपने मीडिया को बुलाया है, तो इसे भी उस कवरेज का हिस्सा समझिए। और वैसे भी अभी यहाँ जो भी कुछ हुआ उसके बाद पूरा सच तो हम भी जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही नहीं चाहते कि आपके घर की बहू आगे पढ़े या फिर बाहर कहीं काम करे? एक मिनट, आप लोग कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? किसने कहा आपसे कि ये लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे? ईशान सर ने मुझे चेक दिया था ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस भर सकूं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मैं खुद अपने पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। हो सकता है कि आपकी नजर में ये जॉब छोटी, लेकिन मेरी नजर में कोई भी काम छोटा नहीं, इनफैक्ट ये बिल्कुल वैसी ही जॉब है जैसी मुझे चाहिए। मैं कॉलेज के साथ साथ ये जॉब भी कर सकती हूँ, टाइमिंग भी क्लैश नहीं होगी, अपनी फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ, मेरे लिए एकदम परफेक्ट जॉब है ये। सो प्लीज आप लोग अक्का साहब और राव साहब पे ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सर आप तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या आप भी इस तरह की मानसिकता का समर्थन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी मानसिकता का समर्थन हरगिज नहीं करता। मेरा तो मानना है कि जब एक लड़का पढ़ाई करता है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, और जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरी एक नस्ल आगे बढ़ती है। पूरा हक है लड़कियों को कि वो पढ़े लिखे, नौकरी करे और कामयाब हो, और आप सब लोगों की तरह मुझे भी अफसोस है कि ये शिक्षा के पुजारी इनके घर में ऐसी शर्मनाक बात हो रही है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अब मेरा यहां रुकना मुमकिन नहीं है। चलते हैं राव साहब, नमस्कार। अरे तात्या साहब, गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।